अरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी लता देवीदासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गर्मियों की मौसम शुरू हो गई है और साथ ही में ठाकुर जी के जो व्यंजन रहते हैं उसमें भी बदलाव आ जाता है। आम की सीजन से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो राइस। और इस आम के राइस को अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंगो कोकोनट पुलिहोरा। और इस डिश को आप कोई भी मील में शामिल कर सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं या फिर टिफ़िन बॉक्स के लिए। यह एक साउथ इंडियन डिश है जिसमें कोकोनट का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पुलिहोरा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 3 कप कुक किया हुआ चावल। यह हमने कुक करके ठंडा कर लिया है। कुक करने के टाइम पर हमने आधा चम्मच जितना नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर बनाया था। एक पैन में हम लेंगे 3 टेबलस्पून जितना तेल, जिसे गरम कर लेंगे। एक चौथाई कप मूंगफली के दाने लेंगे। इसे धीमी आंच पर हमें रोस्ट कर लेना है। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितनी चना दाल, 1 चम्मच जितनी उड़द दाल, 3 हरी मिर्च बीच में से कट कर ली है, 7 से 8 काजू के टुकड़े। लो फ्लेम पर सौते करेंगे। मूंगफली के दाने, काजू और दाल जो है, जब तक पिंकिश कलर के नहीं हो जाते तब तक हम इसे भून लेंगे। 1-2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तैयार है। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी हींग और थोड़े से करी पत्ते, मिक्स कर लेंगे। कच्चे आम को छिलका निकालकर ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर हमने 1 कप लिया है, मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। हमने पहले भी समर स्पेशल और साउथ इंडियन स्पेशल रेसिपीज शेयर की है और वो सबकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, प्लेलिस्ट की आप चेक कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ताजे नारियल को ग्रेट करके लिया है, 1/2 कप जितना है, और इसे लो फ्लेम पर ही मिक्स कर लेंगे। ताजे नारियल का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब हमने जो चावल पका कर रखे थे वह इसमें मिलाएंगे। मिक्स कर लेंगे सब कुछ अच्छे से। इसे 1 मिनट के लिए ही कुक करना है। हमारा मैंगो कोकोनट पुलिहोरा बिल्कुल तैयार है। धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर लेंगे। स्टोव को बंद कर देंगे। इसे आप पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तुलसी पत्र रखकर भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप जिस भी स्थिति में हैं, केवल हरे कृष्ण का जाप और भगवत प्रसाद चखने में अपनी जीभ का उपयोग करें, यह कृष्ण को प्राप्त करने का तरीका है। अगर आपको पोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि बोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।